तुम्हारी किंग केज में पता नहीं भाई क्या हो गया, इतनी जो अजीब अजीब सी यार आवाजें निकाल रहे हैं, क्या हो गया भाई? जल्दी से यार चल कर देखते हैं। यार यहाँ पर गंजा मुर्गा पता नहीं क्यों यार इतनी तेज तेज भाई चिल्ला रहा, क्या हो गया भाई, क्या हो गया यार तुम लोगों को? अब मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ ना भाई, ये बिल्कुल यार खामोश हो गए। पहले तो भाई मैं डर गया था कि पता नहीं भाई क्या हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस वाली मुर्गी को ये देखें यार, मुझे पता था कि भाई यार ये अंडा देने के लिए जो ना अंदर बैठी हुई थी, इसने अंडा दिया ना, इस तरह की यार आवाज़ें जो ना अक्सर भाई मुर्गियाँ निकालती हैं, और मुर्गियों के साथ साथ यार हमारा भाई गंजा मुर्गा और जो ना चीनी मुर्गी सारे के सारे यार अजीब अजीब सी भाई आवाज़ें निकाल रहे थे। यार तुम लोगों ने तो भाई मुझे डरा ही दिया था। चलो इधर बाहर आओ, चलिए भाई इसको यार बाहर निकाल देते हैं, और इसके यार एग्स को भाई मैं उठा लेता हूँ। ये देखें भाई प्यारा सा भाई असील मुर्गी का यार अंडा आ चुका है। आज का व्लॉग दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए यार आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि दोस्तों आज मैं अपने जो ना भाई एक नए कबूतर के यार पर खोल के उसको उड़ाऊंगा। पता नहीं यार वो दिन कब आएगा जब हमारे पास जो ना सारे कबूतर माशाल्लाह से उड़ने लग जाएंगे। इसके अलावा जब तादाद ज्यादा हो जाएगी ना, फिर तो भाई उड़ाने का और भी मजा आएगा। सोच रहा हूँ यार ये वाले भाई हम कबूतर को उड़ाएं। इसके आप देखिए यार पर्स जो है ना अभी टेप वगैरह से जो है ना बिल्कुल बंधे हुए। इसके दोस्तों हम आज यार पर खोलेंगे। बाकी कल यार जो हमारा छोटू भाई गया था ना यार, वो वापस नहीं आया है। मुझे भाई बहुत ज्यादा यार अफसोस हुआ, बहुत ज्यादा यार मेरा दिल दुख रहा था। मैंने आपसे भी कहा था कि यार आप सब भी भाई दुआएं करें, वो आप लोगों ने दोस्तों मुझे इतने प्यारे मुझे कमेंट्स किया, और उसके अलावा जो ना आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया उसके लिए भाई बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो दोस्तों उड़ाने से पहले यार मैं भाई अपने जो ना ओगी को यार बाहर निकाल देता हूँ, फियोना को बाहर निकालता हूँ ना, तो फियोना यार उल्टी सीधी जो ना हरकतें भाई बहुत ज्यादा करती है। ये देखें फियोना को जो ना गुस्सा भाई बहुत ज्यादा आता है, ये हर वक्त यार अग्रेसिव मूड में रहती है और जो ना हमेशा यार हमले की जो ना तैयारी करती रहती है। अब इसको थोड़ा सा यार बाहर निकालता हूँ ना, ताकि ये बाहर निकले ना थोड़ा सा भाई घूम फिर ले। अरे 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 देखें देखिए और किस तरीके से भाई आज इसने यार जंप किए, और आज दोस्तों इसने यार कितनी ज्यादा भाई ऊपर जंप किए, ये तो यार काफी ज्यादा भाई खुशी की खबर है। जब यार ये फियोना जो ना बिल्कुल भाई परफेक्ट हो जाएगी ना, फिर यार ये उड़ने लग जाएगी। लेकिन ये बाहर निकली है ना, इसने तो भाई हमारे यार सारे के सारे यार पौधे खराब कर दिए। अरे यार इसको भाई वापस जो ना यार केज के अंदर भाई अभी छोड़ देता हूँ। ये बाहर रहेगी ना तो इससे यार हमारे कबूतर भी डरेंगे, क्योंकि आज हमने नया वाला कबूतर भी उड़ाना है। बाकी इसके अलावा यार ओगी को जो ना बाहर निकालता हूँ भाई, इसको भी एक चक्कर लगवा देता हूँ। अब आप देखिए यार ये बाहर रही ना, इसने यार अपने जो ना पर वगैरह बिल्कुल खोल दिए, क्योंकि यार केज छोटा होने की वजह से यार ये अपने परों को बिल्कुल भी जो ना रिलैक्स नहीं दे सकती। इसी वजह से अब ये बाहर रही ना मजे के साथ यहाँ पर बैठ गई है। चलो भाई थोड़ी देर के लिए यार बैठ जाओ, बाकी हम यहाँ से दोस्तों ओगी को भी भाई निकाल देता हूँ। चलो ओगी तुम भी आ जाओ यार जल्दी साहब, ये जो ना बेचारा यार अभी जो ना सही तरीके से भाई उड़ नहीं सकता है। तो ओगी भी भाई सामने जाकर यार फियोना के पास बैठ गया। मुझे ज्यादातर इनका ये डर होता है कि यार आपस में जो ना इनकी फाइट ना हो जाए, लेकिन ये देखिए यार नीचे जो ना हमारा यार एक भाई गमला भी यार तोड़ दिया है। यार इनकी हरकतें ही ऐसी, इसी वजह से जो ना मैं इनको भाई बाहर नहीं निकालता हूँ। इनको जिस टाइम भी मैं बाहर निकालता हूँ ना कोई यार हमारा जो ना नुकसान कर देते हैं, और खासतौर पर यार ये गमलों के ऊपर इस तरीके से अटैक करते हैं कि सारे के सारे पौधे यार मुरझा जाते हैं, और बिल्कुल जो ना पौधों के भाई टूटने का डर होता है। फियोना को यार आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखें यार ये किस तरीके से बैठी हुई है। ये समझ रही कि मैं भाई जो ना जंगल के अंदर यार बैठी हुई। काफी दिनों से यार हमारे दोस्तों नन्ने मुन्ने फैंस यार मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आप जो ना यार कोकोमो को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालते। यार कोकोमो की भाई हालत देखिए कितनी ज्यादा यार ये मैली हो चुकी है। पहले जो ना इसका कलर कितना ज्यादा प्यारा था, यार ये मैली इस वजह से हो चुकी है कि जब से ये अपने इन दो साथियों के पास गई है ना, इनकी यार लंबी लंबी जो ना टांगों के नीचे ये आ जाती है। इसी वजह से देखिए इसके ऊपर यार कितना ज्यादा भाई गंद लग गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा सा जो ना मौसम वगैरह बस सेट हो जाए ना, फिर दोस्तों हम इसको यार नहलाएंगे, ताकि यार इसका भाई नेचुरल कलर जो है ना वापस आ सके। लेकिन एक यार अगर ये मेली हो गई है ना, फिर भी दोस्तों इसकी यार क्यूटनेस जो है ना अभी तक भाई बरकरार है, और बिल्कुल यार प्यारी और क्यूट सी है। बाकी इनको भी भाई बाहर निकाल देता हूं। चलो यार जल्दी से आ जाओ मिनी फोर्स, आ जाओ जल्दी से बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ, शाबाश नीचे कूदो, तुम भी जल्दी से आओ। अरे यहां से भाई दरवाजा यार, यहां से आ जाओ जल्दी से नीचे कूदो, जल्दी से। ये लो भाई कोकोमो, तुमने जंप नहीं लगानी यार, तुम जंप लगाओगी ना तुम्हारे चोट लग सकती है, तुम आराम से नीचे चली जाओ। बाकी नीचे यार भाई डकी गैंग भी जो ना बहुत ज्यादा भाई चिल्ला रही है, तुमने भी बाहर आना है। बाहर जो ना ईगल भी भाई सामने ही बैठे हुए, ऐसा नहीं कि तुम्हारे ऊपर हमला कर दें। चलो आ जाओ यार, आ जाओ भाई। गैंग भाई बाहर निकली ना किस तरीके से भाग रही है। यहाँ पर दोस्तों जितना भी यार बच्चा कुचा खाना होगा ना कबूतरों का, इसके अलावा दूसरे वाले बर्ड्स का, ये सारे का सारा जो ना भाई ये खा लेंगे, तो ये काम भाई जबरदस्त हो जाएगा, सफाई भी हो जाएगी और काम भी अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद यार हम अपने कबूतर को बाहर निकालेंगे और नए वाले कबूतर को भाई उड़ाएंगे। तो हमारे प्यारे फैंस में से यार काफी जो ना एक्सपीरियंस लोग भी होंगे, वो मुझे ये बताएं कि यार हमारा दोस्तों सिर्फ यार एक पेयर जो ना एग्स वगैरह बच्चे वगैरह दे रहा है, बाकी दूसरे वाले हमारे जितने भी कबूतर है ना भाई, ये अभी तक जो ना एग्स वगैरह नेस्टिंग वगैरह कुछ
कुछ भी नहीं बना रहे यार। ये सामने जो ना भाई लखे का एक बच्चा तो निकला हुआ था, ये आपको पता है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यार माशाल्लाह से कितना ये बड़ा हो चुका है। इसकी यार खुशी काफी ज्यादा, लेकिन गम ये कि इसका यार दूसरे वाला बच्चा जो ना मर गया था, उसको मैंने काफी रेस्क्यू किया था। अरे भाई फियोना को देखिए यार, उनको भाई किस तरीके से डरा रही है। मैं सोच रहा हूँ आप जल्दी सर इनको भाई अंदर जो है ना बंद कर देते हैं, बाकी जो ना हम अपने यार नए वाले कबूतर को भी भाई निकालते हैं। चलो यार बाहर आ जाओ इनके केज से, बाहर आ जाओ जल्दी से। अरे डकी तुम भी बाहर आओ जल्दी से ओगी के केज से। दोनों तो आपको बता भाई कितना ज्यादा यार गुस्सा करती है। अब मैंने इसको मैंने पकड़ लिया ना, ये देखे आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ। अरे 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 ये देखे भाई, इसने यार गमला भी जो ना सारे का सारा गिरा दिया और मेरे से यार फाइट करने की कितनी ज्यादा यार ये कोशिश कर रही है। चलो यार इधर आओ, जाओ अपने जाओ केज में, ऊपर 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 ऊपर, अरे ऊपर जाना है तुमने। अरे अरे चलो ना जाओ भाई जाओ। अरे ये देखे यार, इसको भी बाहर छोड़ा हुआ था ना, मजे के साथ बैठी हुई थी, अब अंदर आई है ना दोबारा इसने भाई चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे यार तुम्हें ओगी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, इधर आओ बाहर आओ, चलो जाओ यार। ये ओगी के पास जो है ना अंदर भाई बैठा हुआ था, इसको जो ना ओगी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, वरना इतने बड़े बड़े जो ना बच्चे होते ना वो बहुत ज्यादा डरते हैं भाई ओगी से। इधर आओ यार इधर आओ, चलो भाई तुम भी अपने केज में चले जाओ यार। यार यार ये देखे भाई कहाँ घुस गया यार, बहुत ज्यादा भाई ये मुझे थका देते हैं। अरे इधर आ जाओ यार इधर आ जाओ। ओको वो पता नहीं भाई कहाँ चली गई है, पेरी यार यहाँ पर जो ना पानी वगैरह पी रही है। चलो यार तुम्हें मैं पानी जो है ना भाई केज के अंदर ही दे देता हूँ। जब से यार मुझे ऐसे लग रहा है कि कोकोमो को मैंने इनके साथ छोड़ा ना यार, ये बिल्कुल भी जो ना मुझे भाई खुश नहीं लगती है। मुझे ऐसे लगता है दोस्तों ये हर वक्त जो है ना नाराज़ रहती है, क्योंकि यार ये इनके साथ जो ना रहना नहीं चाह रही, ये इसका सारे का सारा जो ना खाना भी छीन कर खा जाते हैं और उसको कितना ज़्यादा भाई इन्होंने गंदा कर दिया है। तो चलो यार तुम्हारे लिए जो ना भाई मैं अलग केज का मैं बंदोबस्त करता हूँ, बाकी अभी जो ना इसको भाई यहाँ पर जो ना बंद कर देता हूँ। अब हम निकाल लेते हैं भाई अपने यार कबूतरों को, बाकी हमने कौन से वाले जो ना कबूतर के भाई पर खोलने थे। कल तो यार हमने इस वाले कबूतर को भाई ट्रैप किया था और वो कबूतर हमारा कहाँ चला गया यार, जिसके हमने पर खोलने। यार ये ऊपर बैठा हुआ है, इसको भाई मैं पकड़ लेता हूँ। आ जाओ यार इधर आ जाओ, आ गया भाई आ गया। इसके परों पे भाई अभी तो टेप लगा हुआ है, इसको खोल कर देखता हूँ भाई आसमान की तरफ। यार अभी तो कोई जो ना बाज वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बाज वगैरह जो ना अक्सर भाई कबूतरों का जो ना शिकार कर लेते हैं। सामने यार चील घूम रही है, मैं समझा कि भाई जो ना बाज घूम रहा है। तो चले भाई खोलता हूँ भाई इसके पर, बाकी अल्लाह मालिक है यार, अगर ये वापस आया तो आ जाएगा, नहीं आया तो भाई क्या बोल सकते हैं यार। दिल की धड़कन यार मेरी भी भाई तेज़ हो चुकी है, और उम्मीद है यार आप लोग इतना मुझसे प्यार करते हैं भाई, आप लोगों की भी जो ना दिल की धड़कनें जो ना तेज़ हो गई होंगी, क्योंकि यार ये बहुत बड़ा रिस्क है, पता नहीं ये वापस आएगा नहीं आएगा। तो एक चीज़ भाई आपको और दिखाता हूँ, काफ़ी जो ना दोस्त यार समझ रहे होंगे कि इस कबूतर को यार आपने जो ना भाई पहले भी उड़ाया था। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास यार बिल्कुल फीमेल है और बिल्कुल जो ना इसके जैसा भाई कलर है। तो आप लोग ये नहीं समझते कि भाई मैं इसे कोई जो है दोबारा उड़ा रहा हूँ, और ये तो भाई माशाल्लाह से उड़ने लग गई है। और ये मेल, इसका भी भाई कलर जो है इसी फीमेल जैसा है। हमारे पास यार इस तरह के जो ना चार या पाँच भाई कबूतर हैं। तो चलें भाई इसको उड़ा रहा हूँ। ये दो तो दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, बाकी दूसरे वाले अभी नहीं आए, वो भी भाई आ गए। चलो भाई आ जाओ यार आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ये देखे भाई वो तो ऊपर उड़ गए, बाकी ये वाले भी आ गए। चले भाई अब इसको भी यार छोड़ देता हूँ, तो अगर इसने वापस आना हुआ आ जाएगा, अगर इसने जाना हुआ तो भाई चला जाएगा। चलो भाई, अरे अरे यहाँ कहाँ आ गए यार। ये देखे यार माशाल्लाह से अभी से जो ना इतना भाई सेट हो गया कि ये ऊपर जो है ना जाना ही नहीं चाह रहा है। यार थोड़ा सा उड़ जाओ भाई, ये सामने जाकर बैठ गया है। मैंने यार इसे भाई खुद ही भाई उड़ाया सामने भी, ये तो वरना उड़ना नहीं चाह रहा था। ये भाई चला गया यार ऊपर अपनी जगह पर, ये बिल्कुल जो ना परफेक्ट यार जगह बनी हुई इनके बैठने के लिए, क्योंकि जो भी हम नया कबूतर उड़ाते हैं उसको यार सबसे पहले जो ना भाई यहाँ पर बिठाते हैं। यहाँ पर बिठाने इसलिए ज़रूरी है कि वो जो ना अपनी जगह यार पहचान लेता है। बाकी ये हमारे पास दोस्तों सिर्फ यार दो कबूतर रह गए जिनके जो ना परों पर टैपिंग हुई हुई है। एक हमारे पास यार ये कबूतर है, इसको तो भाई मैं उड़ाता नहीं हूँ, क्योंकि इसके पाँव देखिए यार थोड़े से जो ना टेढ़े मेढ़े हुए हैं, ये कहीं पर जो ना गिरने का भाई खतरा है। इनको भाई नीचे छोड़ देता हूँ। बाकी दोस्तों दूसरे वाले यार ऊपर बैठे हुए, जो नया कबूतर उड़ाया भाई उसको भी अब उड़ाता हूँ। तो ज़रा से यार ऊपर तो भाई उड़ाते हैं। अरे अरे उड़ जाओ ओ भाई, उड़ गए उड़ गए उड़ गए। देखे यार सारे के सारे जो ना एक साथ भाई बैठे हुए थे, और अब इनके अंदर जो ना हमारा नया वाला मेल भी उड़ रहा है। ये देखे भाई ये जा रहा है यार नया वाला मेल, और ये चार या पांच ये अलग उड़ गए, बाकी दूसरे वाले जो ना वो ज़्यादा ऊपर यार चले गए, क्योंकि वो तो भाई हाई फ्लायर हैं। तो मैं यार थोड़ा सा भाई अंदर चला जाता हूँ। ये भाई ये घूम रहे यार, अगर मैं थोड़ा सा दूर नहीं आऊँगा ना तो यार ये वापस नहीं आएंगे, क्योंकि अभी हमने नया नया उड़ाया ना, ऐसा ना हो कि किसी की भाई छत पर जो ना उतर जाए। तो मैं यार यहाँ पर आके जो ना बैठ के हूँ, लेकिन ये देखें अभी आया था भाई कहाँ चला गया। हमारी पुरानी वाली फीमेल है और ये इसका मेल है, बाकी जो नया कबूतर था ना वो नहीं है भाई ये, क्योंकि यार कलर जो ना बिल्कुल सेम सेम है यार। वो जो ना चारों तरफ भाई अभी नज़र नहीं आ रहा है, ये हमारा हाई फ्लायर आ रहा है। अरे 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 तुम्हें क्या हो गया यार।
यार मैं इसका भाई साथी ढूंढ रहा हूँ कि जिसके परों पे टेप लगी थी वो कहाँ चला गया। लेकिन देखिए यार ये केज के नीचे जाकर यार छुप गया, और मैं इसको जो ना भाई यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ, अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ ये किस जगह पे चला गया। ये देखें यार इसकी भाई हरकतें चेक करें, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा यार सामने बैठा हुआ। यहाँ से यार ये अंदर जो ना हॉल में चला गया, मैं इसके लिए परेशान हो रहा था और ये यहाँ पर छुपा हुआ है। तो हमारे दोस्तों सारे कबूतर यार घर वापस आ गए, लेकिन जिस कबूतर को भाई आज हमने उड़ाया था ना यार वो वापस नहीं आया है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई मैंने यार बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो उसको यार ऊपर से उड़ा दिया था। अभी जो ना चारों तरफ यार वो नज़र तो नहीं आ रहा है, तो आप सब ने भी भाई दुआएं करनी यार वापस आ जाए। कल यार मैं छोटू के लिए भाई दुआएं करवा रहा था कि हमारा छोटू यहाँ से गिर गया था, लेकिन दोस्तों हमारा छोटू भी यार वापस नहीं आया। फाइनली दोस्तों मैं अभी यार छत के ऊपर आया हूँ और बिल्कुल जो ना शाम का भाई टाइम हो चुका है। ये देखिए यार ये सामने से भाई सामने वाले यार कबूतर उड़ रहे हैं और कितने ज़्यादा यार प्यारे लग रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई हमारा यार बिल्कुल जो है ना भाई ऐसा ख्वाब ही रह जाएगा। मैं भी चाहता हूँ कि यार हमारे भी जो है ना इतने सारे भाई कबूतर उड़े, क्योंकि यार इनको जो है ना देखने का भाई मज़ा ही बिल्कुल अलग है। यार सूरज का भी दोस्तों डूबने का टाइम हो गया है और वो भी जाकर यार मगरिब में जो है ना डूब रहा है। आज यार दिल जो है ना बिल्कुल यार मेरा भाई टूट गया है, और आप समझ लें कि जबान भी जो है ना मेरा भाई साथ नहीं दे रही है यार मेरे अल्फाजों का। मैं बोलना कुछ चाह रहा हूँ और जो ना मेरे भाई मुंह से कुछ निकल रहे हैं। बस यार दोस्तों आज तक भाई आपने जो ना मेरे हर दुख में यार मेरा साथ दिया उसके लिए यार बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आज यार मेरे पास भाई कोई अल्फाज ही नहीं है यार कहने के लिए। तो पता नहीं भाई हमारे साथ यार ऐसा क्यों होता है यार। अभी मैं जब दूसरों के कबूतर देख रहा हूँ ना उड़ता हुआ, तो बिल्कुल यार मेरा दिल जो है ना और ज़्यादा भाई कंडीशन जो है ना मेरी, मैं क्या आपसे कहूँ यार। ओके भाई अल्लाह हाफिज़।